क्वेश्चन नंबर 58 में एक सेट दिया हुआ है, ए 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। इसमें से हम लोग दो डिफरेंट एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं और उन दोनों नंबर का जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और दोनों का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग सैंपल स्पेस में अगर एलिमेंट्स काउंट करें तो दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 11, तो दिस विल बी 11C2। और अगर हम ई बोल रहे हैं उस इवेंट को, सच दैट कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम और एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 04 08, देन 26, देन 210 और इस तरीके से दो और एलिमेंट आएंगे 4.8 and 6.10। तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखें तो दिस इज टोटल 6 upon 11C2, दैट इज 11 into 10 upon 2, दैट इज 55। तो इस हिसाब से अगर हम इसका करेक्ट आंसर देख रहे हैं तो द करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 59 प्रोबेबिलिटी का सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर्स 1/4, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट बी और सी अकर्स 1/4, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट सी और ए अकर्स 1/4 एंड ऑल थ्री इवेंट्स अकर्स साइमल्टेनियसली इज 1/60। और हम लोग इसे पूछा जा रहा है कि कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो हम लोग पहले वाले को एज एन इक्वेशन लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी और एग्जैक्टली वन अकर्स, सो दिस विल बी -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/4। सिमिलरली उसके बाद वाले दो इक्वेशंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी बी प्लस पी सी -2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज अगेन 1/4 एंड पी सी प्लस पी ए और -2 पी सी इंटरसेक्शन ए, दिस इज अगेन 1/4। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो पी ए पी बी पी सी दो बार आएगा और ये भी दो बार आ रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा पी ए -σPA इंटरसेक्शन बी, 2 विल बी कॉमन हेयर और इधर ये आ रहा है 3/4, सो दिस विल कम 3/8 एंड इट इज़ बीन आस्क पी ए यूनियन बी यूनियन सी, कम से कम एक सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा पी ए -σPA इंटरसेक्शन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, सो दिस विल बी 3/8 प्लस 1/16, तो दिस इज 6/16 प्लस 1/16, दैट इज 7/16। तो 7/16 हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज इन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60 में एक मैट्रिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है। एक 2/2 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2 -3 -4 1 और एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12 भी दिया है। करने के अपने पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कॉमन वगैरह, या फिर हम डायरेक्टली चाहें तो 3a² कैलकुलेट कर लें, 12b कैलकुलेट कर लें। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट a², सो दिस विल बी 2 -3 -4 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई द सेम मैट्रिक्स 2 -3 -4 1, सो दिस विल बी 4 एंड प्लस 6 12, तो दिस इज 16, दिस इज -6 एंड दिस इज -3, दैट इज -9, देन इज -8 एंड -4, दैट इज -12, देन इज 12 + 1, दैट इज 30। तो ये ए स्क्वायर हो गया। अगर 3a² हम कैलकुलेट करें तो इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 48 -27, देन इज -36 एंड देन इज 39। 12a कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ए वाले मैट्रिक्स को हम लोग हर एक एलिमेंट को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 24, दिस इज -36, this is -48 and this is 12. Now let us calculate the matrix 3a² + 12a. This will be 48 + 24, that is 72. This will be -63, -84 and this is 51. So adjoint of this, that is 3a² + 12a, तो इसमें लोग डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, 51, 72
और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, दैट इज 63 एंड देन इज 84. सो व्हाट इज आवर मैट्रिक्स? 51, 63, 84, 72. क्लियरली ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन 3.